आपके बजट में है और जितनी आप ईएमआई देते हैं उतनी ही यहाँ पे किस्त आती है और ये लोन अप्रूव्ड, मतलब किराए के लिए अगर आप रूम देख रहे हो तो मत रहिए वहाँ पे, आप अपने मकान में रहिए, अपने मकान में रहिए। ईएमआई के थ्रू जैसा आप किराया देते हैं ऐसे ईएमआई देना शुरू कर दीजिए, अपने घर अपनी छत के नीचे रहना शुरू कर दीजिए। प्लस यहाँ पे अगर आप 402 स्क्वायर फीट लेते हैं तो 1,90,000 का है, उसकी किस्त जो आती है 5,000 से 7,000 के बीच में आती है, उतना ही आप किसी के मकान में रह के रेंट पे आउट कर, रेंट पे आउट कर। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी हब के एक और नए वीडियो में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हर बार मैं आपके लिए अलग अलग लोकेशन में लखनऊ के अलग अलग दायरों में बना हुआ मकान लेके आता हूं, तो इस बार भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट पे हम आए हैं। अगर आप मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक देखिएगा वीडियो। अगर आप लखनऊ में घर लेना चाह रहे हैं कि किसी अच्छी लोकेशन पे आपको अच्छी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा सा घर मिले तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो हम आप तक लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यहाँ के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। तो कमल जी एक बार फिर से स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी फैमिली को एक बार हेलो, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज फिर हम लोग आपका प्यार देख के उसी साइट पे आए हैं, डेस्टिनी होम्स, जहाँ पे आपका बहुत अच्छा प्यार मिला हमें और लोगों की डिमांड थी कि वीडियो और बने, तो इसलिए आज फिर हम भाई के साथ आए हैं और कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए। तो आइए चलते हैं। वीडियो की डिमांड भी थी, नया लेके आए मतलब कुछ और उनके बजट में लेके आए, क्या हम लोग उनके बजट में देंगे जो वो देख रहे हैं चाहे वो लोग? डेफिनेटली आपके बजट में है और जितनी आप ईएमआई देते हैं उतनी ही यहाँ पे किस्त आती है और ये लोन अप्रूव्ड है। मतलब किराए के लिए अगर आप रूम देख रहे हो तो मत रहिए वहाँ पे, आप अपने मकान में रहिए, अपने मकान में रहिए। ईएमआई के थ्रू जैसा आप किराया देते हैं ऐसे ईएमआई देना शुरू कर दीजिए, अपने घर अपनी छत के नीचे रहना अपनी छत के नीचे रहिए। तो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्या डिटेल है इसकी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम लोग सबसे पहले डेस्टिनी होम्स में खड़े हुए हैं, ठीक है, और बंथरा मार्केट के ठीक बैक साइड में, ठीक है, आप कानपुर रोड पे बंथरा मार्केट से हाईवे से मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस पे। कनेक्टिविटी की बात कर ले तो यहाँ से आपका हजरतगंज चार बागे सर कितने कितने मिनट की ड्राइव पे पड़ जाएगा? बिल्कुल 25 मिनट में आप हजरतगंज, 20 मिनट में आप चार बाग, ठीक है, और 7 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं जी। तो अभी आप पीछे देख रहे होंगे काम भी चल रहा है, चीज़ें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, कितने मकान की ये गेटेड कॉलोनी होगी? ये 600 मकानों की दिखाते हैं और 450 मकान हम बना चुके हैं जिसमें 350 पोजीशन हम दे चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा 350 पोजीशन दे चुके हैं जी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि 450 में 350 हम ऑलरेडी पोजीशन दे चुके हैं। अब इसकी रोड की बात कर ले जिसमें हम चल रहे हैं, ये रोड कितनी रहेगी? ये 30 फीट की ये रोड है, इंटरनल 20 फीट की रोड है, ठीक है, इंटरनल 20 फीट की रोड है। और डायमेंशन में मकानों की बात करें तो किन किन डायमेंशनों पर अवेलेबल? 402, 804, 603, 400 साइज पे अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। फ्रंट क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि 402 छोटा है और 804 बजट के बाहर है, तो उनके लिए एक 603 का भी ऑप्शन है। चलिए उन क्लाइंट डिमांड उसमें अगर हम फ्रंट और डेप्थ की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? 603 में आपका 20x30 का साइज आता है जो बहुत खूबसूरत साइज है, ठीक है, और 804 में उसमें 26.8x30 का साइज है। चलिए तो ये हो गई आपकी डिटेल। अब आपसे बात कर लेंगे बेसिक दिनचर्या की चीज़ें, साग सब्जी, जनरल स्टोर का सामान, ये सारी चीज़ें कितनी दूरी पे मिलेंगी? मैं आपको दिखाऊंगा, एक शॉप तो यहीं पे है आंटी जनरल स्टोर, ठीक है, सामान यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। दिनचर्या की सारी चीज़ें आपको साइट पे अवेलेबल है, जैसे कि आप दूध, अंडा, ब्रेड, सब्जी, ये सारी चीज़ें आपको साइट पे मिलेंगी, साइट पे मिल जाएंगी। पार्क वार्क की भी हम कहते हैं कि सुविधा अपनी सोसाइटी में? बिल्कुल है, पार्क है अपनी साइट पे, पार्क है और दुकानें हैं, जनरल स्टोर यहीं सोसाइटी में ही है, लोगों ने घर लेके बनाना शुरू कर दिया। दूसरे प्रोजेक्ट में अपने पास कमर्शियल शॉप्स की अवेलेबिलिटी थी, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं? यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा सा ये हमारे पास कम बजट के मकान हैं। अच्छा। और इसमें हम किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, लोगों को
अपने बिजनेस भी चलाने थे, तो लोगों ने अपने घर से ही वो चीज़ें अवेलेबल कर दी। चलिए, तो आपके लिए ये भी अवेलेबल है, आपको गेटेड कॉलोनी के अंदर ही सारी चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल उसके लिए आपको बाहर जाना नहीं, अगर आपको बाहर जाना भी है तो बाहर यहाँ से 400-500 मीटर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना कपिल जी? आपका बैंक, आपका जो भी मतलब आपकी दिनचर्या की चीज़ें होती हैं वो सारी मिल जाएंगी। कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें आपको 500 मीटर के और इसके अंदर मिलेंगे। स्कूल की वैन वैन कहते हैं बच्चों को लेने के लिए, यहाँ सोसाइटी तक आती हैं। चलिए, तो ये हो गई आपकी डिटेल बेसिक। अब चलते हैं आपको घर के अंदर, घर दिखाते हैं और कितने स्क्वायर फीट वाला दिखा रहे हैं हम आपको 804 दिखा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं 402 किस हिसाब से रहेगा। तो चलिए चलते हैं, आपको घर दिखाना शुरू करते हैं। तो ये हम आ गए हैं कार पार्किंग के एरिया में। कमल जी, इसका साइज अगर पूछ लें आपसे तो क्या साइज हो जाएगा इसका? 12x16 का साइज है। एक एवरेज पूछे तो कौन सी कार इसमें आ जाएगी लगभग? इसमें आपकी मारुति आ जाएगी, डिजायर आ जाएगी, और अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो भी आ जाएगी। आ जाएगी जी। चलिए, और ये गेट है आपके दो, इसके ऊपर हम पूछे कि कोई डिजाइन देंगे? ऐसे ही रहेगा। चलिए, तो आ जाइए, आप आपको अंदर का भी दिखाते हैं। क्या साइज आपने इसका बताया था? इसको इंक्लूड करके बता रहे हैं, इसको अटैक 12x16 का। ये भी आपको थोड़ा सा इन्वर्टर स्पेस मिल जाता है यहाँ पर। ये आपका एक एरिया हो गया, बहुत बड़ा सा हॉल मिल जाता है। हॉल के साथ आपके 3 बेडरूम है इसमें, 804 में आपके 3 बेडरूम है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 804 में आपके 3 बेडरूम है, 2 लैट्रिन बाथरूम है, किचन है, कार पार्किंग स्पेस है, और तीनों रूम के साइज आपके बड़े हैं। 13x14 का रूम है, 2 12x14 का रूम है, 1। ये 2 रूम आपके हैं, इसी के जस्ट सामने आप ये आप देखेंगे। एक बार आ जाइए, आपको दिखा देते हैं। अच्छा साइज है आपके, 3 लेडीज आराम से किचन में बैठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि आप घर रहते हैं, हम आप बाहर रहते हैं, बट लेडीज ही आपका रहते हैं, तो बेसिकली उनको सबसे अच्छा किचन साइज चाहिए होता है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। किचन एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं पूरा दिनचर्या आपका अच्छा या खराब होता है, क्योंकि पेट सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, है ना? तो खाना अच्छा मिलेगा तभी काम अच्छा होगा, तो उसके लिए स्पेस भी अच्छा होना चाहिए। तो स्पेस आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है, तो मॉड्यूलर हम इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बजट के बाहर हो जाएगा ना। अगर कोई क्लाइंट कहते हैं कि हमें मॉड्यूलर चाहिए तो एक्स्ट्रा पे करके बनवा सकता है। एक कॉस्ट बता देंगे कितना आ जाएगा? लगभग 35-40 हज़ार में आपका मॉड्यूलर हो जाएगा जी। चलिए, क्या साइज बताया था आपने उसका? ये 9.5x10 का, 9.5x10 का आपका ये किचन है। आप थोड़ा आगे आएंगे, आपको ये एक ड्राइंग एरिया मिल गया। क्या साइज हो जाएगा कमल जी इसका? 12x13। इसमें भी आपको एक विंडो मिली है वेंटिलेशन के लिए। और आइए, अब आपको थोड़ा बाहर का भी दिखा देते हैं। ये आपके लैट्रिन बाथरूम रहेंगे दो? बिल्कुल, ये लैट्रिन बाथरूम है, ये लैट्रिन है, ये बाथरूम है आपका। तो ये आपके दोनों लैट्रिन बाथरूम रहेंगे, आपने देखा। उसके बाद ये 2 रूम हैं जो जिनकी बात कर रहे थे कमल जी, आ जाते हैं इसमें। क्या साइज हो जाएगा इसका? 13x14। इसमें फॉल सीलिंग वगैरह तो हम नहीं लगा के देंगे, सिंपल रहेगा। पुट्टी कवर किया हुआ है, हमने ऊपर पुट्टी से डिजाइन दी हुई है। हम जो भी इसमें बेहतर कर सकते हैं वो सारे काम हम करते हैं, बस अपने क्लाइंट से रिव्यू लेते रहते हैं। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि हमें ये चेंजेस चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल आप मॉड्यूलर किचन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रूम में आपके फॉल सीलिंग हो जाए, अदर मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा, आपका वो चीज़ भी हो जाएगी जी। इस घर का हम प्राइस आपको लास्ट में बताएंगे, वो भी बहुत अच्छा है। ये एक आप दोनों के रूम के साइज़ आपने सेम बताएँ? हाँ, दोनों के सेम। इनमें टाइल्स की, वायर की, टूटी हुई सब की बात कर ले तो बिल्कुल, इसमें भी हम वही मटेरियल यूज़ करते हैं जो अभी हमने लास्ट वीडियो अपना ग्रीन सिटी में शूट किया था जी। तो सेम मटेरियल यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, मतलब अपने जितने भी लगभग जो प्रोजेक्ट हैं उनमें सारे मटेरियल ही यूज़ करते हैं। चलिए, और इनकी भी ये जो गेट वेट होते हैं, इनकी वारंटी गारंटी कहीं 50 साल? हाँ बिल्कुल, सबकी जी। चलिए, अब आपको थोड़ा ऊपर छत का एरिया भी दिखा देते हैं। चलिए आ जाइए, रेलिंग इसमें नहीं लगी है, वो हम लगवा के देते हैं या कस्टमर डिमांड पे होता है? वो कस्टमर डिमांड होता है, कस्टमर की अलग अलग डिमांडेस होती हैं। हाँ, किसी को लोहे का चाहिए, किसी को स्टील का चाहिए, तो कहने का मतलब है जब आप यहाँ आएंगे इस घर को देखने के लिए, जैसी आपकी डिमांड होगी एज इट इज़ वो ऐसे ही लग जाएगा। ये आपके पिलर निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कितने मंजिल बनाना चाहें तो बना सकते हैं? 3 मंजिल 4 मंजिल आराम से बना सकते हैं। यहाँ क्लाइंट ने ऑलरेडी 3-3 मंजिल बना रखे हैं, तो आप देखेंगे आपको ऊपर से व्यू जो दिखेगा उसमें 3-3, 2-2 मंजिल लोगों ने बना रखे हैं। रिव्यू अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में हमने एक रिव्यू भी डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं, जो यहाँ के जिन्होंने घर लिया है अपने अकॉर्डिंग बनवा रहे हैं, आप उनसे ले सकते हैं, रिव्यू आपको अच्छा ही मिलेगा। एक बार आइए विजिट के लिए, इसको जरूर देखिए। कमल जी, अब इस जानना चाहेंगे कि अप्रूवल की बात करें तो क्या अप्रूवल होगा? यहाँ पे भी LIC से अप्रूव्ड है आपकी साइट, और LIC से आपके 80% फंडिंग यहाँ पे भी अवेलेबल है। अंतर्गत किसके आता है? नगर पंचायत जी। चलिए, नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, लोन भी आपके लिए अवेलेबल है। अब इसका प्राइस हम पूछेंगे कि क्या कोट कर रहे हैं? ये 21,80,000 का है, 804 स्क्वायर फीट है, प्लस यहाँ पे अगर आप 402 स्क्वायर फीट लेते हैं तो 10,90,000 का है। उसकी किस्त जो आती है 5,000-7,000 के बीच में आती है, उतना ही आप किसी के मकान में रह के रेंट पे आउट कर रेंट पे आउट करते हैं। सही, तो
तीनों मकान के ही हम एक बार चाहेंगे कि आप फिर से मकान के दायरे और प्राइस बता दें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 402 स्क्वायर फीट 13.4 बाई 30, जो 10,90,000 का है। ठीक है। 603 स्क्वायर फीट जो आपका 20 बाई 30 का साइज है और 16,80,000 का है। 804 स्क्वायर फीट जो है वो आपका 21,80,000 का, जिसकी डायमेंशन 26.8 बाई 30। चलिए, तो ये होगी आपकी पूरी डिटेल। एक बार जाते जाते कमल जी आपसे फिर से जानना चाहेंगे इसकी प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन और दूरी की बात कर लेंगे, कैचेस कितनी दूरी की दूरी पे पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग एग्जैक्ट बंथरा मार्केट के बैक साइड में खड़े हैं। हाईवे से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है। और कन्वेंस आपका 24/7 का है। चलिए, आप कभी भी होते हैं, कहीं से भी आते हैं, आप हाईवे से उतरते हैं, मात्र 300 मीटर आप वॉकिंग डिस्टेंस आराम से चल के आ सकते हैं। चल के आ सकते हैं। एक बार आप कैमरा घुमाएंगे देखेंगे, ऑलरेडी लगभग पूरी घनी पूरी आबादी है यहाँ, सब लोग रह रहे हैं, काफ़ी डेवलप्ड सोसाइटी है। जस्ट बगल में आपका थोड़ी सी दूर पे ही कह सकते हैं कानपुर रोड है, बंथरा मार्केट ये लगता है। सारी फैसिलिटीज आपको पास में मिलेंगी, जस्ट बगल में इसी के आपका जनरल स्टोर सोसाइटी का ही है जो आप ले सकते हैं। सारे डायमेंशन और प्राइस हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि लास्ट जो मेरे पास कॉल्स आई थी उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमारे कंप्लेन की कि भाई आप ऑफर थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए थोड़ा सा बढ़ा के रखें, तो उन क्लाइंट्स के लिए जो छूट गए, जो ऑफर नहीं ले पाए, तो इस गर्मी में हम उनको एसी फ्री का ऑफ़र रिलीज़ करते हैं। जो भी एक महीने में आता है उसको एसी फ्री का ऑफ़र है यहाँ। मतलब 10,90,000 में आप एसी भी दे रहे हैं? एसी भी दे रहे हैं। चलिए, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, किराए पे मत रहिए, कमल जी से कांटेक्ट करिए, अपना घर लीजिए, अपने मकान में रहिए। मंथली जितना आप रेंट देते हैं उतना आप किराया दे दीजिए, तो जब ख़त्म होगा ये आपका ईएमआई, तब एक आपके हाथ में घर होगा जो कि किराए में आपको कभी भी नहीं मिल सकता है ना। बिल्कुल। चलिए, तो ये थी डील कमल जी के साथ हैं हम। कमल जी को आप कॉल करिए, बकायदा आइए, विजिट भी करिए। इसी तरह हम आपके लिए प्रॉपर्टी के वीडियो लेके आते रहते हैं। चाहे कमल जी बहुत कैसे आप, बहुत तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह आप चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल हो, अपर मिडिल हो, हर तरीके के सेगमेंट के लिए हम घर लेके आते रहते हैं। ये घर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो हम आप तक लेके आते रहते हैं। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।